जहां पूरी दुनिया वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे में सहमी हुई है, वहीं सागर शहर के युवाओं की टीम हम हैं इंसान ने आगे आकर अपना शहर, अपनी जिम्मेदारी को समझकर कोरोना वायरस के बचाव के लिए सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव कर सफाई की। टीम ने न सिर्फ बस स्टैंड परिसर बल्कि बस स्टैंड की सभी बसों के अंदर भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया और यात्रियों, बस ड्राइवर, बस संचालकों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताकर जागरूकता अभियान भी चलाया। हम हैं इंसान टीम के सदस्यों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू एक दिन के बंद की उपयोगिता बताई और जनता कर्फ्यू के दौरान अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की। टीम ने बताया कि नगर का बस स्टैंड अत्यधिक भीड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ अलग अलग जगहों के लोगों का आना जाना होता है और यहाँ से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बहुत अधिक होता है। प्रशासन द्वारा बस स्टैंड परिसर जैसी संवेदनशील जगह पर किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन कार्य या जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है, इसलिए हमारी टीम ने इस कार्य के लिए बस स्टैंड परिसर को प्राथमिकता से चुना और सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु दुबे है, मैं हिंदुस्तान टीम से हूँ और हमारी टीम विगत 5 माह से शहर के अनेक कोनों में रविवार रविवार को जाके कुछ ना कुछ कार्य करती है। तो इस बार जब मोदी जी के आह्वान पर, जो कि जनता के द्वारा जनता के लिए कर्फ्यू है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं और पुरजोर समर्थन करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने अपनी गतिविधि को एक दिन आगे किया शनिवार को और हम लोगों ने बस स्टैंड, जो कि सार्वजनिक जगह है जो उपेक्षा के शिकार थी, हम लोगों ने यहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। श्रीवास्तव, हमें इंसान की तरफ से आप पूरे शहरवासियों से यह विनम्र आग्रह, विनम्र अपील करता हूँ कि जो जनता कर्फ्यू है, मोदी जी का जो आह्वान है, हम उसका पालन करें और जनता कर्फ्यू के दिन अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो कोरोना वायरस है इसका अभी तक कोई रोकथाम, इसकी कोई दवा नहीं निकली है कि ये बीमारी खत्म किया जाए। इस खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम स्वच्छता अपनाएं और कल के दिन होने वाले जनता कर्फ्यू का समर्थन करें, अपने घरों से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। देश में कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है और ये एक दूसरे के संपर्क से फैल रहा है। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में हमारे मरीज, संभावित मरीज पाए गए हैं, इसलिए हमने आज बस स्टैंड को चुना है क्योंकि यहाँ पे कई सारी बसें कई क्षेत्रों से आती हैं और उसको छूने से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए हमने प्राइमरी स्टेज पे बस स्टैंड को ही चुना है क्योंकि अगर हम बस स्टैंड पे सैनिटाइजेशन करेंगे तो कोई भी मरीज जो है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा और हम संक्रमित नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने आज बस स्टैंड पे अपने अभियान को किया, सैनिटाइजेशन का कार्य किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।